आई थिंक हम एक्चुअली बहुत अपसेट है ये जो भी हुआ, बिकॉज वो हमारी दोस्ती है. पर एक होता है ना कि व्हेन यू बिकम एन इन्फ्लुएंसर आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है. सो वी नेवर सपोर्ट मॉब लिंचिंग वीडियोज और एनीथिंग अगेंस्ट इट ऑल्सो. तो मैं यही चाहता हूँ कि गाइज आप अपने वीडियोज बनाने से पहले प्लीज सोचो, बहुत हज़ार बार सोचो. आप वो सब छोड़ के पहली चीज़ तो ये सोचो कि यू आर एन इंडियन फर्स्ट. सो वाई ऑल दिस रिलीजन, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब क्यों आता है बीच में? यू नीड टू बी वी नीड टू बी टुगेदर, वी नीड टू कम्पीट अगेंस्ट अदर कंट्रीज. सो वाई डू वी कीप फाइटिंग विद ईच अदर? वी कांट से कि आपने ये क्योंकि वी आर इंडियन, वी हैव टू थिंक दैट वे दैट दिस इज आवर प्लेस. वी कांट से इसने ये किया, इसने वो किया, इसके साथ में ऐसा, अगर इसने ये किया तो इसने भी इंडिया में रह के किया. सो यू कांट ब्लेम एनीवन. टीच, टेल देम यू डिड दिस, डोंट डू इट नेक्स्ट टाइम. यू कांट बिगेस्ट एग्जांपल अवेज दरबार मुस्लिम तेजल नॉन मुस्लिम. वी आर वर्किंग टुगेदर, वी नीड टू ग्रो टुगेदर. फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स गाइस. बी पॉजिटिव, बी मिस्टेक, और मिस्टेक सबसे होती है पहली बात. और ये बेचारों से मिस्टेक हो गई है, आई थिंक दे ऑल्सो डिजर्व द सेकेंड चांस इफ दे आर सॉरी अबाउट इट. आई एम जस्ट गोना से इफ आर इंडियन ऑडियंस एक्चुअली थिंक दैट दे शुड गेट अ सेकेंड चांस, दे शुड गेट अ सेकेंड चांस, बिकॉज फॉर अस दे शुड. आई डोंट थिंक सो दे आर दैट दे एक्चुअली मेड द वीडियो थिंकिंग दैट इट विल बी अ नेगेटिव रिस्पॉन्स. ओके सो लास्टली फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? वी लव यू.